हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर फोर्थ है, चैप्टर का नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड्स और टेंथ क्लास का चैप्टर है ये साइंस का। तो देखिए, इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो हम कर चुके हैं वीडियोस के अंदर, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। अब देखिए, यहाँ से जो अभी हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, इससे पहले वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओनली क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। नाम से ही दिख रहा है ना हमें क्या क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे। एक तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। ये दो चीज ही प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन एंड कार्बन, और नहीं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लिख दिया अभी कंपाउंड, अब चेक कीजिए, आपको बताना है क्या ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, यही है इस कंपाउंड के अंदर। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, मीथेन। जैसे मैंने अभी इसका नाम लिख दिया है मीथेन, आपको बताया जाएगा कि कैसे मैंने इसका नाम मीथेन लिखा है। अब जैसे मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया, सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन की पहचान होनी जरूरी है कि ये हाइड्रोकार्बन है भी या फिर नहीं है। अब इस कंपाउंड को देखिए, क्या ये हाइड्रोकार्बन है, है ये हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो ये भी क्या हमारा हाइड्रोकार्बन ही है। इसका नाम क्या है, इथेन। ये हम नोमेनक्लेचर में सीखेंगे कि इसको मीथेन कैसे बोला मैंने, इसको इथेन कैसे बोला। अभी हम यहाँ पे करते हैं क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन्स की। मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स अभी हम करेंगे वो कितने टाइप्स के होंगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो किस किस तरह से प्रेजेंट होंगे, कैसे उनकी बॉन्डिंग होगी, क्या उनके बीच में हम स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज या जो भी डिफरेंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, हाइड्रोकार्बन्स में दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। सबसे पहले है ओपन चेन, नाम देखिए मैंने क्या लिखा है, ओपन चेन। यहां पे मैंने लिखा है क्लोज चेन, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिंग। क्लोज चेन मतलब जैसे मैंने ये कार्बन्स हैं ये आपस में क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं, एक चेन बन गई है इनके बीच में। तो ये चेन कैसी है, क्लोज चेन है, और इनके इन सभी कार्बन्स के बीच में क्या बनी हुई है, एक रिंग बनी हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज चेन या फिर रिंग हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए ओपन चेन, ओपन चेन में जैसे ये है हमारा, ये जो हमारे कार्बन्स है, फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन होगा ये ओपन है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, ये क्या है, ओपन है। और यहाँ पे हमने जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, यहाँ पे क्या था, जो फर्स्ट कार्बन था और लास्ट कार्बन था वो आपस में क्लोज है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, क्लोज चेन और रिंग। और यहाँ पे जो कार्बन है फर्स्ट और लास्ट हमारा ओपन है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है, ओपन चेन। इसको हम और क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक क्यों लिखा मैंने नाम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक है, साइकिल कंप्लीट हुई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक, एक साइकिल कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। जैसे ये था हमारा कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, साइकिल कंप्लीट थी, रिंग कंप्लीट थी, क्लोज चेन था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा, ए साइक्लिक, साइकिल कंप्लीट, जैसे भी हमने ये ड्रॉ किया था यहाँ पे साइकिल कंप्लीट नहीं थी, तो वही है मतलब तो हमारा, लेकिन इसके नाम अलग अलग दिख दिए हमने, एक लिखा हमने साइक्लिक, एक हमने लिखा है ए साइक्लिक, ठीक है। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, और ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। अब जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो कितने तरह के हैं, वो फर्दर डिवाइड है थ्री टाइप्स में। कितने टाइप्स में, फर्दर थ्री टाइप्स। क्या क्या नाम है उनके, एल्केन्स, एल्कीन एंड एल्काइन्स। क्या लिखा है मैंने, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके थ्री टाइप्स हैं, क्या क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स। जहाँ पे हमारी रिंग बनी हुई है, यहाँ पे के साइड में ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा यहाँ से, ये क्या है, ए साइक्लिक है, और ये क्या है, साइक्लिक है। जो हमारे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फर्दर टू टाइप्स के हैं, एलिसाइक्लिक और दूसरा इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक।
एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक अरोमा होता है, एक अलग ही कलर, अलग ही तरह की ऑर्डर होता है, फ्लेवर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमा, मतलब एरोमेटिक, एरोमा से रिलेटेड वर्ड है। अब जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फर्दर फिर तीन तरह के हैं, साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन, साइक्लो, यहाँ लिख देते हैं इसको, साइक्लो एल्काइन्स। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो 10th क्लास तक है वहाँ पे क्या है आपका, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है उसमें जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से, इनके बारे में हम स्टडी करनी है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें नॉलेज इनके बारे में भी होने चाहिए कि ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक में से जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है ये भी सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, लेकिन अरेंजमेंट कैसी है, कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, रिंग है या ओपन चेन है, उसके बेसिस पे इनको क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। ये सभी वही, इनके अंदर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। अब देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है, इसका एग्जांपल याद रख लेंगे आप, बेंजीन, जो मैं भी यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर एक तरह का ऑर्डर प्रेजेंट होता है बेंजीन के अंदर। ये सारे यहाँ पे क्या है, कार्बन, क्या है ये सभी यहाँ पे, कार्बन। अगर मैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करूँ तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये कार्बन है तो कितने बॉन्ड्स बना लिए इसने, 1 कंप्लीट हो चुका है, 2, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3, ठीक है, 3 बॉन्ड से ये कंप्लीट कर चुका है, तो एक बॉन्ड और कंप्लीट करेगा। और अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो किससे बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन से करेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो CH, ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, CH, क्योंकि देखिए कार्बन की कंप्लीट कीजिए, 2 तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, 3, 4, यहाँ पे भी एक सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा दीजिए एक सिंगल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या इस साइड दिखा दीजिए इसको, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं इस कंपाउंड का, इस बेंजीन का, तो फॉर्मूला क्या बन गया है मेरे पास, काउंट कीजिए कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6, तो C6H6 किसका फॉर्मूला है, ये है बेंजीन का, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब सबसे पहले देखिए ये है कैसा, रिंग है, रिंग बनी हुई है इसके अंदर, हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है, 6 कार्बन एटम्स हैं हमारे, यहाँ पे क्लोज चेन है, चेन हमारी क्लोज हो गई है, कहीं से ओपन नहीं है, साइकिल बनी हुई है, ठीक है, तो ये तीनों नाम सेटिस्फाई कर दिए हमने यहाँ से। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप कैसे ध्यान रखेंगे कि जो बेंजीन है उसके अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें अल्टरनेट पोजिशन पर डबल बॉन्ड होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको ड्रॉ करूं, अल्टरनेट का मतलब क्या, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, अगले कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है, इसको छोड़ दीजिए, इस कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे एक कार्बन को छोड़ के अगली पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। किसका स्ट्रक्चर है ये, बेंजीन का है, दोबारा बता दे रही हूँ, क्या फॉर्मूला है, C6H6, और है क्या ये, आपसे पूछे व्हाट इज बेंजीन, क्या बोलोगे आप बेंजीन के बारे में, क्या है बेंजीन, बेंजीन इज अ हाइड्रोकार्बन, वो तो है ही, दिखी रहा हम क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन की कर रहे हैं, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, रिंग हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो बेंजीन क्या हमारा एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इनकी बात करें साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन्स की, तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म होगी, ये क्या हमारा साइक्लो, मतलब साइकिल है, साइकिल कंप्लीट है, एल्केन, एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर हमें साइक्लो एल्कीन्स करें हम, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड लगा दें हम, डबल, तो ये हो गया साइक्लो एल्कीन। और अगर हम साइक्लो एल्काइन्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हमारे पास जो रिंग है वो कैसी होनी चाहिए, साइकिल के अंदर, ठीक है, रिंग कैसी होगी हमारे पास, साइकिल के अंदर।
जैसे कि अभी हमने क्या किया, ये साइक्लो एल्केन लिखा है यहाँ पे, साइक्लो एल्केन है, लेकिन एल्काइन के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। अगर देखिए हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अभी रहने ही दीजिए आप इनको, क्योंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको इनसे। सिंपल बस आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन याद रख लीजिए, ये वाला पोर्शन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बस आपको बेंजीन याद रखना है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है इसमें साइकिल्स होंगी हमारी। अब देखिए जो मेन हमारे सिलेबस में है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इस पर फोकस कीजिए आप। ये क्या है देखिए, एल्केन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिए, दो तीन कार्बन ले लिए मैंने, हर कार्बन के बीच में आपको कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, हम बात कर चुके हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे शेयरिंग हुई इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, इस कार्बन की इस कार्बन के साथ, ठीक है। फिर ये बॉन्ड बने हमारे पास, कितने कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, दो कोवलेंट बॉन्ड दिखाए हैं अभी तक हमने, कंप्लीट नहीं किया इसको हाइड्रोकार्बन को। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए हमने यहाँ पे, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, चार ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोकार्बन है नो डाउट, लेकिन सैचुरेटेड वर्ड मैंने किसके लिए ए लिखा है, कि हर कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होने चाहिए, जितनी बॉन्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए, वो बॉन्डिंग यहाँ पे कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन, ठीक है, और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया होगा आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कर लिया हमने, अब हम दूसरा कर रहे हैं यहां पे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जो कार्बन और कार्बन है, ठीक है, हमने तीन कार्बन ही ले लिए हैं, इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाए, किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, डबल आ जाए तो भी अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, दो बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, तीसरा और ये चौथा बॉन्ड हो गया कंप्लीट, दो और एक तीन, चार, कंप्लीट हो गई वैलेंसी। यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना हुआ कार्बन का, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, थ्री हाइड्रोजन। इसी तरह इसकी कंप्लीट कर लीजिए वैलेंसी को, कार्बन के तीन बॉन्ड तो यहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी, एक यहाँ बन गया हाइड्रोजन के साथ और एक यहाँ पे बन गया है। इस कार्बन के फोर कंप्लीट है, इस कार्बन के वन और थ्री, फोर भी हाई बॉन्डिंग क्या है हमारी, कंप्लीट है। तो जो ये दोनों हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, डबल या फिर ट्रिपल, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ये एग्जांपल हमने लिखा है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोकार्बन तो है ही, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है। तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन्स। ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं एल्कीन। एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एल्कीन का, एल्काइन्स का और एल्केन का, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको अच्छी तरह से ही। अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी कार्बन और कार्बन, दो कार्बन लिए मैंने,
कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। दूसरा देखिए एल्कीन, इसके भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, कर लिए हमने हाइड्रोजन कंप्लीट। अब देखिए ऐसा कार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो? डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्कीन। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, हो गए हमारे हाइड्रोजन कंप्लीट, ठीक है। ये इतना स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? एल्काइंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो भी हमने क्लासिफिकेशन की थी साइक्लिक और एसाइक्लिक में, जो एसाइक्लिक जो ओपन चेन हमने कंपाउंड किए थे, उसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में डिटेल से करना है कि कौन सी एल्केन है, कौन सा एल्काइन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेंटेन। पेंटेन क्या है? एक एल्केन है। एल्केन मैंने कैसे बोला? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक एल्केन है। तो मुझे कैसे पता चला मैंने इसका नाम पेंटेन क्यों लिखा? अभी आपको वही बताया जाएगा कि कैसे हम इसके नाम लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंटीन, तो ये क्या है? एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंटाइन, तो ये क्या है यहाँ पे? ये है हमारी एल्काइन। क्या है ये? एल्काइन है। तो इसमें जो पेंट वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। जो पेंट वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। तो देखिए प्रीफिक्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं, कितने कार्बन एटम हैं उसके बेस पे डिसाइड करेंगे हम क्या, कौन सी हमारी प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कार्बन एटम के नंबर क्या है? एक है, ठीक है। अगर कार्बन एटम के नंबर कितने हैं? वन है, तो हमारे लिए प्रीफिक्स क्या होगी? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीथ। क्या यूज़ करते हैं? अगर वन कार्बन एटम हो किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उसके लिए हम उसको नाम देने के लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? उसके लिए यूज़ करते हैं हम मीथ, ठीक है। जैसे एक कार्बन लिखा हुआ है, इस कार्बन में अगर एक ही कार्बन है और हर जगह इस पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम कैसे लिखा? एक कार्बन के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? मीथ। क्या यूज़ करते हैं? मीथ। और अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि कार्बन एक ही है, ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड तो होगा ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एन। क्या यूज़ करेंगे? एन। तो क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का? मीथेन। क्या नाम हुआ इसका? मीथेन। तो इसी तरह जो प्रीफिक्स हमें यूज़ करनी है, तो देखिए कैसे नाम दिए गए हैं उनको, प्रीफिक्सेस को। एक कार्बन है तो उसके लिए क्या है? मीथ है। अगर दो कार्बन लगे हुए हैं तो उसके लिए क्या है हमारा? ईथ। दो कार्बन लगे होंगे तो उसका क्या नाम होगा? ईथ। थ्री कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोप। थ्री कार्बन के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? प्रोप। फोर कार्बन के लिए ब्यूट। क्या यूज करेंगे हम? ब्यूट। पांच कार्बन के लिए पेंट। छह कार्बन के लिए हेक्स। सात कार्बन के लिए हेप्ट। आठ कार्बन होंगे हमारे कंपाउंड के अंदर, तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? ऑक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्ट। और अगर नाइन कार्बन होंगे तो नाइन के लिए हम यह यूज करते हैं नॉन। टेन कार्बन के लिए डेक। टेन कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? डेक। इलेवन के लिए अनडेक। और ट्वेल्व के लिए डूडेक। आपको 11, 12 याद नहीं रखने हैं अभी, 10 क्लास तक आपके लिए डेक तक जो आपके प्रीफिक्स हैं वो आपको याद करने हैं। तो जैसे कि आपको ये पता चल गया होगा ये प्रीफिक्स कैसे हमने लगाए हैं, ये नाम इसके हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कि अगर एक कार्बन होगा तो उसको मीथ बोलते हैं, दो कार्बन के लिए ईथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ओक्ट,
9 के लिए नन, 10 के लिए क्या आएगा आपका, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए, अगर 12 कार्बन्स होंगे तो हमारा क्या आएगा, डू डेक। ये आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे आपको प्रीफिक्स लगानी है। अगर देखिए, अब देखिए मेरे पास क्या है, मैंने कोई भी कंपाउंड ले लिया, जैसे यहाँ पे सी कंपाउंड ले लिया है, ठीक है, इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, वो हम कैसे पहचान करेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग। अगर कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन, ठीक है, वो क्या होगा हमारा, एल्केन होगा, क्या होगा वो हमारा, एल्केन होगा। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा एल्केन है, कौन से प्रीफिक्स लगाए हम यहाँ पे, तो प्रीफिक्स के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको काउंट करने पड़ेंगे, जो यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिए हैं, यहाँ पे बॉन्ड किसके साथ बॉन्डिंग बनेगी कार्बन की, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, क्यों, क्योंकि कंपाउंड ही कैसा है हमारा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कंपाउंड कैसा हमारा, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है ये कौन सा एल्केन है, तो देखिए सबसे पहले कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं, पेंट, क्या है हमारी, एल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, पेंट। फिर उसके बाद चेक कीजिए कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, कैसे बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन, क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, एन। तो जो पेंटेन है ये क्या है, एक तरह का एल्केन है, ठीक है, कैसा एल्केन, ऐसा एल्केन है जिसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, कैसा एल्केन है जिसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और हर कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और कोई कंपाउंड ले लेते हैं हम, जैसे कि अभी मेरे पास है अब देखिए ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, इसके लिए हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड चेक करना है, सिंगल बॉन्ड है तो पता चल गया हमें एल्केन है, लेकिन कौन सा एल्केन, क्या प्रीफिक्स यूज करें इसके लिए हम, ओक्ट है, नॉन है, डेक है, मीथ है, प्रोप है, क्या चीज़ है ये। अब देखिए कार्बन काउंट कर लिए आपने, 4, ठीक है, और 4 कार्बन के लिए क्या है हमारे प्रीफिक्स, ब्यूट, क्या है, ब्यूट। अब देखिए मैं इसके पीछे क्या लगाऊं, एन लगाऊं, ईन लगाऊं या आइन लगाऊं, क्या लगाऊंगी वो मैं चेक करूंगी, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो आपको पता है कौन सा होगा, एल्केन होगा, अनसैचुरेटेड है तो आपको पता है एल्कीन और एल्काइन में से कोई होगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या लगाऊंगी, एन। तो क्या नाम है इस कंपाउंड का, अगर इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हम तो क्या है ये, ब्यूटेन। क्या नाम है इस हाइड्रोकार्बन का, ब्यूटेन। और कैसा हाइड्रोकार्बन है ये, ये हमारा है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये क्या है हमारा, ओपन चेन और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी दूसरा कंपाउंड ले लीजिए, जैसे अभी मेरे पास है ये, हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर दीजिए, देखिए हर जगह पे हाइड्रोजन्स कंप्लीट है, यस कंप्लीट है, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हर कार्बन के 4 हाइड्रोजन्स कंप्लीट है। अब देखिए मुझे इसका नाम लिखना है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये तो मुझे पता चल गया है ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन्स में से ही है, क्यों, क्योंकि ये ओपन चेन है, ठीक है, यहाँ पे रिंग नहीं बनी हुई है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कितने कार्बन्स है, हाउ मेनी कार्बन्स हेयर, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम जो प्रीफिक्स है वो क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। अब मेरे को यहाँ पे लगाना है एन, ईन या आइन, वो मैं कैसे लगाऊंगी, वो मेरे को चेक करना है ये किस तरह का एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, वो मेरे को चेक करना है किस तरह का हाइड्रोकार्बन है ये। तो मुझे पता है कि डबल बॉन्ड किसके अंदर आता है, एल्कीन के अंदर आता है, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, ईन। क्या नाम है इस कंपाउंड का, ब्यूटेन। क्या नाम है, ब्यूटेन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड एल्केन के अंदर, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं कर रहे अभी हम, बस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। एल्काइन्स के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इस इकाई, अभी हमारे पास कितने कार्बन है, वही 4 ही कार्बन है, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए, 1 यहाँ नहीं लगेगा, 3 और 1, 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 4, 4 हो चुके हैं हमारे कंप्लीट हाइड्रोजन। अब देखिए इसका नाम कैसे दूं मैं, सबसे पहले मेरे को प्रीफिक्स चेक करनी है, प्रीफिक्स में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसके लिए क्या नाम लिखूंगी मैं, ब्यूट।
अब मेन काम है हमारा अभी एल्कीन है, एल्कीन है या एल्काइन है, ब्यूटेन है, ब्यूटीन है या ब्यूटाइन है, वो कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसा बोन लगा हुआ है, ट्रिपल बोन, और ट्रिपल बोन के लिए क्या वर्ड आएगा हमारे पास, आइन। कैसा एल्केन, कैसा है ये हाइड्रोकार्बन, ये है हमारा एल्काइन, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटाइन। तो इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम आप लिख सकते हैं। और देख लीजिए एक दो एग्जांपल इसके, जैसे मेरे पास मैंने एक कंपाउंड लिखा 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी कार्बन आर हियर, 7 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लीजिए, हो गई हमारी वैलेंसी 4, ठीक है। अब चेक कीजिए 7 कार्बन के लिए हम कौन सी प्रीफिक्स यूज करेंगे, हैप्ट, क्या यूज करते हैं हम, हैप्ट। दूसरा काम हमारा कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग चेक करना, बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग, तो हैप्ट क्या लिखे हम यहाँ पे पीछे, एन, एल्केन है, कौन सा एल्केन है, हैप्टेन। अब दूसरा कर दीजिए इसमें, अब जैसे मेरे पास ये है, ये हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर दीजिए, कर दिए हमने हाइड्रोजन, अब इसका नाम देखिए, मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, इन, क्या नाम है इस कंपाउंड का, प्रोपीन, ठीक है, क्या नाम है इस कंपाउंड का, प्रोपीन। और ले लीजिए कोई कंपाउंड, जैसे ये है हमारे पास, हाउ मेनी कार्बन आर हेयर, 6, ठीक है, एल्किन की हम ले चुके हैं, हम इसको एल्काइन कर देते हैं, तो क्या नाम है इसका, हैग्स, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, क्या नाम है इस कंपाउंड का, हेक्साइन, ठीक है, इसके कार्बन्स कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लीजिए, ये कर लिया हमने हाइड्रोजन्स कंप्लीट। तो अभी आपको पता चल गया होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में हम कैसे उसको नाम देते हैं, बेस ऑफ कार्बन एटम्स, और कैसे कार्बन्स के बीच के बॉन्डिंग है उन दोनों के बेसिस पे। देखिएगा आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन जो बताऊंगी अभी, कि कौन सा एल्काइन पॉसिबल नहीं है, कौन सा एल्कीन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 कार्बन लिख दूँ, यहाँ पे भी 1 कार्बन, यहाँ पे भी 1 कार्बन, ठीक है, कार्बन की हाइड्रोजन से कैसी बॉन्डिंग हो गई है, सिंगल बॉन्डिंग, एक कार्बन है मीथ, एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या है, मीथ, ठीक है, उसके बाद इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है हमारी, कैसी बॉन्डिंग हमारी, सिंगल बॉन्डिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन, तो क्या नाम है इस हाइड्रोकार्बन का, मीथेन, और है क्या ये, एल्केन है। अब उसके बाद इन के अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन एल्केन में तो हमारा जो मीथ वाला है प्रीफिक्स, उसमें तो हमारे पास कार्बन के कितने कार्बन होगा, एक सिंगल ही कार्बन होगा, तो हमारा जो मिथाइन या मिथीन जो हाइड्रोकार्बन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, इन बॉन्ड तो हम तभी लगा पाएंगे ना, डबल बॉन्ड तो हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास कितने कार्बन होंगे, मिनिमम 2 कार्बन, ठीक है। तो इसी तरह आप लिख सकते हो जो मिथाइन है ये कंपाउंड भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड तो तभी बन पाएगा जब कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, तो दूसरे कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे दूसरा कार्बन तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप याद रखेंगे कि एल्केन में हमारे पास जो मीथेन पॉसिबल है एल्केन, लेकिन मिथाइन है या फिर मीथेन और मिथाइन, ये मीथेन है ये मिथाइन है, ये दोनों कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है। पता चली गया होगा आपको क्यों पॉसिबल नहीं है ये।